बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आप जानते हैं जो आँखें या एक आँख फड़कती क्यों है? दुनिया भर के मुआशरों में कुछ अजीब व गरीब और दिलचस्प रवायात बिखरी पड़ी हैं। कभी आँख फड़कने को मुश्किल घड़ी की आमद का इशारा समझा जाता है, तो कभी कभी इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, जो कभी कभी हकीकत भी बन जाती है, और कभी सिर्फ एक ख्याल ये भी साबित होता है कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ताहम लोगों की एक बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना, वो अब भी इन रवायात पर यकीन रखती है। जैसे चीन की बात की जाए तो चीन में आग फड़कने की कई वजूहात तस्वर की जाती हैं। वहाँ के लोगों के मुताबिक बाई वाली आँख जो है, उसके फड़कने का मतलब उनके पैसे कहीं खोने वाले हैं। अगर उनकी दाई आँख फड़कती है तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इसी तरह हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में रहने वालों का ये यकीन है कि दाएं आंख के फड़कने से आपको खुशी की खबर मिलेगी और बाएं आंख के फड़कने से आपको बुरी खबर मिलने वाली है। और अफ्रीका में रहने वाले लोगों का मानना है कि जब बाएं आंख फड़कती है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रूनुमा होता है जो उन्हें रोने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरह अगर दाएं आंख फड़कती है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत अजीज़ रिश्तेदार मिलने वाला है। नाज़रीन कराम, ये तमाम बातें महज बातें हैं, इनका रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर बात ये की जाए कि आपने कभी ये सोचा है कि आखिर आँख फड़कती क्यों है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आँख खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो फिर फड़कना शुरू कर देती है। और अगर आप आँख में आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल जारी रखें तो आँख फड़कने से रुक जाएगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा भी कई ऐसी वजूहात होती हैं जो कि आँख फड़कने का सबब बनती है, जिनमें नींद का पूरा ना होना, जहनी दबाव, आँख की बिनाई का कमज़ोर होना, माहौलियाती आलूदगी, आँखों में जलन, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, आँखों में एलर्जी जैसी अलामत का होना शामिल है। तो नादरीन, आँख के फड़कने पर मुख्तलिफ मफरूजात बनाना एक जाहिलाना अमल है। इसका इंसानी ज़िंदगी पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आँख को फड़कने से महफूज बनाने के लिए आप अपनी आँख को थोड़े थोड़े वक्फे से ठंडे पानी से साफ करते रहें। इसके साथ साथ आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इससे आपकी आंखें सेहतमंद रहेंगी और फड़कने से महफूज भी रहेंगी। नाज़रीन, कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि आंखों की बिनाई दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसे मैकेनिज्म बताए जाएं। तो नाज़रीन, अमरीकी माहिरीन ने गाजर के बाद, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, अंगूर को भी आई साइड के लिए, बिनाई के लिए मुफीद करार दिया है। तहकीक के मुताबिक अंगूर खाने से आंखों का जो कॉर्निया होता है, करीना जो होता है, उसमें नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स के अखराज का खतरा कम हो जाता है और आंखों की आई साइड जो है, नज़र जो है, बिनाई ठीक हो जाती है। इसके अलावा नज़र की बेहतरी के लिए आंखों की वर्जिश भी बहुत ज़्यादा मुफीद अमल है। जैसे मुसलसल आंखों को चपकाने से आंखें ताज़ा रहती हैं और आंखों पर काम के बोझ के असरात को भी कम किया जा सकता है। मेरी तरह और आपकी तरह जो लोग मुसलसल कंप्यूटर पर बैठते हैं, उनकी आंखें मुसलसल एक जगह देखने की वजह से आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, और ऐसे अफराद के लिए हर 3 से 4 सेकंड बाद आंखें चपकाना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग आमतौर पर दूर की नज़र का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि ज़्यादा फासले पर मौजूद किसी चीज़ को बग़ौर 5 सेकंड तक देखें और इस अमल को 30 से लेकर 45 मिनट बाद रिपीट करें, और इस अमल से दूर की अशिया पर फोकस रखने में मदद मिलती रहेगी। नादरीन, अगर आप महसूस करें कि आपकी आंखें बोझल हो रही हैं तो फौरी अपनी आंखों को अच्छी तरीके से पानी से धो लें और उस दौरान पानी को ज़ोर से आंखों पर मारें, और इस अमल को आपने रोज़ाना रिपीट करना है। इस तरह धोने से आंखों पर पड़ने वाले ज़्यादा बोझ से निजात मिलेगी और ताजगी भी महसूस करेंगे आप। इस तरह नादरीन, आप अपनी आँखों की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में अच्छी तरीके से रगड़ें यहां तक कि वो गर्म हो जाए। आप उन्हें क्या करना है, अपनी आंखों पर कुछ देर के लिए रख दें। इस दौरान रोशनी को आंखों तक ना आने दें, और ये अमल दिन में कई बार रिपीट किया जा सकता है। नाज़रीन, ये चंद एक्सरसाइजें जो आपके साथ शेयर की हैं, जिन पर अमल करके आप नज़र की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी दिल बदल दे। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। गिलगित बल्तिस्तान के एवरेज लोगों की उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि वो शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं
मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन इम्बैलेंस है, स्पर्म काउंट कम है, सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की हिलसाइड शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। याद रखिए, हमेशा खालिस ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। तीन बातों का दोस्तों आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, 15 से 20 साल की नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है और सेक्सुअल पावर को इन्हांस करनी चाहती है, डॉक्टर के एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया।